हालत खराब हो जाता है, देह चूर चूर हो जाता है मेरा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये, असली है ये लोना। सर्विस ठीक ना, खाना ठीक ना, बिहेवियर ठीक, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है कि सर अब तो बन गया, अब तो खाना पड़ेगा, ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता है, आप ऑर्डर तो अपने दे। किसने बोला था? ले ले ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है यार। ये संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, मेरे लिए सब दिन बन चुका है लेबर डे। देवा मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, जय श्री राम, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज है संडे, और मेरे लिए कोई संडे नहीं। मगर क्यों? संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, मेरे लिए सब दिन बन चुका है लेबर डे। देवा मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। इतना ज्यादा खटता हूँ, इतना ज्यादा दौड़ भाग होता है कि थकावट से हालत खराब हो जाता है, देह चूर चूर हो जाता है मेरा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये, अश्लील है ये लोंडा। अब क्या बोलूं, एज सून एज इन सब जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊं, बस एक ही दुआ है, और जितनी जल्दी फ्री हो जाऊं। बाकी 8 से ऊपर हो चुका है, 8:15 होने वाला है, 9 बजे के पहले निकलना भी है, मतलब 8:50 तक, मतलब 35-40 मिनट मेरे पास है, इसमें मुझे नहाना है, पूजा करना, खाना खाना और निकलना भी, तो सोच लो आधे घंटे में मुझे ये सब करके निकलना भी है, तो समय तो बिल्कुल नहीं है, फ़ोन चार्ज करके मैं निकला, तो मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। तब तक के लिए बब्बा टाटा है, जाके मिलते हैं फिर वहाँ पे। वैसे भी कल का मूड इतना ख़राब है ना, ऐसा घटिया रेस्टोरेंट में खा के, ऐसा घटिया कैफे में खा के, ना साला सर्विस ठीक, ना खाना ठीक, ना बिहेवियर ठीक, जबरदस्ती खिलाया जा रहा है कि सर अब तो बन गया, अब तो खाना पड़ेगा, ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता है, आप ऑर्डर तो अपने दे। किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार। और ऑर्डर बन के तैयार भी नहीं है, फिर भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हो सकता है, ऐसा चूतिया बाबा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं आज फिर से इस वीडियो में कहना चाहता हूँ ना, पटना में किसी भी रेस्टोरेंट में चल जाना, रोड किनारे खा लेना, पर कभी सिनेमा कैफे में मत खाना जो वेस्टर्न मॉल में 4th फ्लोर पे। ये भगवान क्या जुलुम है, बेली रोड कभी भी नहीं। बाकी बताए, घर से नहा धोवा के निकलो और यहाँ फिर आके नहा लो, पूरा कपड़ा भीग जाता है। अब लगता है कि यहाँ पे एक सेट एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आना पड़ेगा मुझे। समझ रहे हो ना? नहीं तो जो कपड़ा पहन के आओ वो तो भीग जाता है, तबीयत खराब होने का भी चांसेस है। खैर धूप मस्त है क्योंकि हवाएं चल रही है ना, साथ साथ हवाएं चल रही हैं, बस ये गर्म हवा में तब्दील ना हो। अगर इस तरीके से हवा रहा तो मस्त, क्योंकि 10 बजे से ऊपर तो हो चुका है, और अगर गर्म हवा भी चलेगा तो 11 बजे के बाद ही, तो देखते हैं फिर आएगा मौसम कैसा रहता है। तब तक के बाय। बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी और ये गाय आ गई थी मेरे घर के पास, मैंने मोटर चलाया और उससे नहला दिया, और ये बड़ा इंजॉय करके नहा भी रही थी। तो बेजुबानों को प्यार करे, और वैसे भी सनातन धर्म में तो गौ को माता कहा जाता है, और भगवान शंकर का प्यारा भी नंदी महाराज। चलो जाओ, हम जाए। देखो आप बड़े बड़े आसियाने बनाते हो, ये सारा देख रहे हो ना टूट रहा है, ये टूट इसलिए का हो रहा है कि क्योंकि ये रोड चौड़ा हो रहा है। और मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ना जाने कितने लोगों का आसियाना टूट चुका है, देख रहे हो ना, कितने पैसे लगाओ, कितने मेहनत करो, और फिर जब रोड वगैरह बनेगा, रोड चौड़ा करना होगा, आपका आसियाना टूट जाएगा। कुछ इस तरीके से ही है कल से, और जानवरों से प्यार हमेशा करना चाहिए, मैं भी वही करने की कोशिश करता हूँ जब भी हो ये कैल्सी। और फिर और जानवरों को और कुछ नहीं चाहिए आपसे,
बस थोड़ा सा प्रेम, और वो देखो कितना आपको रिटर्न में प्रेम करेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये कभी दगा नहीं देते, धोखा नहीं देते, बस प्यार के बदले प्यार देते। रिस्पेक्ट दो, केयर करो, और ये आपको जो रिस्पेक्ट और केयर देंगे ना, उसका फिर मज़ा ही अलग है। सी हाँ दो कैलसी, हाँ दो, इधर 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 इधर, हाँ दो, इधर आ, इधर आओ, हाँ दो। फाइनली 10.5 घंटे बाहर रहने के बाद घर तो आ चुका हूँ। हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं चला एक मस्त सी ठंडी ठंडी सावर लेने, उसके बाद सोऊंगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ये डॉगी 2 वीक में कितने बड़े बड़े हो गए। इधर आ, इधर आ, इधर आ, चाहे जो भी हो। लेकिन एक चीज़ ना बहुत अच्छा बनाया है कंपनी ने, ये ठंडा तेल, डाबर लाल तेल जो होता है, हाँ ठंडा वाला, ठंड में लगाने वाला, नवरत्न तेल, सॉरी नवरत्न तेल, उससे अभी मैंने चंपी किया सर कोस्टर। इतना ठंडा ठंडा और इतना रिलैक्स लग रहा है ना, लग रहा है जैसे फ्रिज के बर्फ़ वाले में मैंने अपना सर रखा, सारा सर ठंडा ठंडा, मस्त मज़ा आ रहा है। लेकिन यही है कि लुक थोड़ा ख़राब कर देगा, तेल हो ही जाता है। लेकिन जो ठंडक मिल रहा है ना, जो सुकून मिल रहा है, तो बहुत सेटिस्फाइंग है। अब नींद भी बढ़िया आएगा, तो मैं चला सोने। पापा है, गुड नाइट। नींद खुलेगा तो खाना खा लूँगा, नहीं नींद खुलेगा तो कल सुबह। इलेक्शन ड्यूटी में कुछ टीचर्स आए हुए थे, ये वोटर आईडी का लिस्ट लेके, रात के 7:30 बजे, ना जाने ये घर कब जाएंगे। तो थोड़ी बहुत उनकी भी हेल्प कर रहा था बैठ के। सारा दिन थके रहो तो बिना खाए भी नींद आने लगता है ना। डिनर तो किया नहीं हुआ अभी तक, लेकिन बहुत ज़ोरदार नींद आ रहा है। और मैं चला सोने, आज का डिनर करूँगा मैं स्किप, क्योंकि इतना कस के नींद, ज़ोर से नींद आ रहा है ना कि बेड छोड़ने का मन तक नहीं कर रहा, बेड से हिलने का मन ही नहीं कर रहा। तो मैं चला सोने, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर अगले ब्लॉग में।